तो जनाब मैंने सोचा आपको देता हूँ छोटा सा सरप्राइज, और ये सरप्राइज देख के आप लोग की याद ताज़ा हो जाएगी। चले मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, अभी नहीं लेकिन देखिए आप खुद। अस्सलामुअलैकुम, आपको याद होगा 10 रमजान मुबारक 1445 हिजरी को मैं फैसल भाई के रोड साइड इफ्तार ड्राइव में आया था, और आज उसका सीक्वल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहा आज मैं आता हूँ। मैंने बकायदा फैसल भाई को सरप्राइज़ दिया, कोनैन को बताया, और वहाँ है नहीं यहाँ पे, तो मैंने कहा आइए आप इसको शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, ये शर्बत मिलाया जा रहा है अपना, सही है। ये कौन है ने? जो कि यहाँ पे नेकी का काम कर रहे हैं, और वहाँ क्या है? वहाँ जाँच वहाँ नहीं है, आज नहीं आता था। अच्छा, और ये क्या सामने देखने क्या है? ये यार आज ये ताजे में दाल चावल बनाए, दाल चावल बनवाए। अच्छा, सही है, दाल चावल है ये। अच्छा, चावल तो दिखाई दे रहे हैं हमें। अच्छा भाई, जबरदस्त, और तुम्हें मिलेंगे मिला भाई। ओके ओके ओके, कौन थे? कौन ये लाल क्या पाले? अच्छा माशाल्लाह भाई, दाल तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और नाज़रीन देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे फैसल भाई ने जो स्टार ड्राइव की है, उसमें चावल हैं, जीरे वाले चावल हैं, और ज़बरदस्त किस्म की हाँ चिकन दाल, चिकन दाल, वाह, गरीब नवाज की मशहूर दाल, ठीक है, ज़बरदस्त। पकाने वाले एमएम कैटरिंग की है। अब ये इंतजाम सारे हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए खाली हो गई है काफ़ी, और ये खजूरें बांटी जा रही हैं, और ये दाल चावल के प्लेट को परोसा जा रहा है। जिस तरह जो है पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक हो गया। और अभी इस तरह लोग आए हैं, लोग आप देख सकते हैं इसके पसे पर्दा भी बैठे हैं, पीछे ही बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए लोग। और ये अंकल बहुत नाइस है, आपने इनको पिछले पार्ट में देखा होगा, जो पार्ट वन था, शरबत तैयार कर रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे मुझे, आज खजूरें बांट रहे हैं, और ये कौनैन है वो अच्छे मूड में घूम रहे हैं। अंकल मुस्तकिल खजूरें बांटने में लगे हुए थे, और मैं जो हूँ अपनी व्लॉगिंग के जो चीता चीता मनाजिर हैं उनको फिल्म बंद कर रहा था। और जनाब जैसे आपने पिछले पार्ट में देखा था कि गुजरने वाले जितने भी मुसाफिर हैं जिन्होंने रोज़ा रखा होता है, उनको भी पानी तकसीम किया जाता है फैसल भाई की जानिब से, और वहाँ जो कौनैन की जानिब से। तो आप ये देख रहे हैं कि कौनैन इस वक्त सरगर्दा हैं, और बाकी दीगर लोग भी लगे हैं, और कौनैन की मेहनत आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, बहुत डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके। अज़ान मग़रिब हो चुका है, अब ये सब इफ्तार कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस इफ्तार के जो अहम मुंतजिम हैं फैसल भाई, जिनको आपने पहले भी इस ब्लॉग के पार्ट वन में देखा था, तो वो हमारे साथ हैं। फैसल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई क्या जज्बात है आपके, आज जो आपका 26वां रोज़ा आपने इफ्तार करवाया बरोज़ हफ्ता और 1445 हिजरी, कैसे जज्बात हैं ये समझान की आपकी लास्ट इफ्तार ड्राइव की का दिन है? बस सर ये नेकियों का महीना है, आखिरी अपने आयाम की तरफ जा रहा है हमारा। जैसा ने पिछली दफ़ा बताया था आपको कि हम जुमरात जुमा हफ्ता 3 दिन करवाते हैं, तो आज ये हफ्ता आखिरी हफ्ता ही है, हमारा आखिरी इफ्तार है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अगले साल ये भी दोबारा रवा दवा रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सेटअप, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और जो इसका पहला पार्ट बना था उसकी फिल्मबंदी कैसी लगी आपको? उसकी फिल्मबंदी बहुत अच्छी थी, तुमने बिला वजह मुझे मशहूर कर दिया क्योंकि बहुत जगह से मुझे कॉल्स आई हैं, मैसेज फैनों के, मेरे काफ़ी लोग बाहर होते हैं तो उनको भी शेयर हुआ है वो चीज़ें। पर आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला हमें खुद नुमाई से बचाए और इसको साफ़ सुथरा रखे इस काम को। अच्छा, फैसल भाई के साथ जो दूसरे मुंतजिम है शहजाद साहब, शहजाद साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे? वालेकुम सलाम। क्या, लेकिन आपको कैसा लगता है, कहाँ आपका काम है वो बताइए। और हमारी वर्क प्लेस कैप्टन ट्रेडर युगांडा और डिफरेंट किस्म का अफ्रीका और कैरिब के अंदर, और मेन ब्रांच जापान। जापान और फैसल भाई हमारे मेन है, सेटअप के हेड हैं कराची ऑफिस के जी, और आज कराची ऑफिस की तरफ से ये अफ्तार थी जी, फैसल भाई ने सारा मुंतजिम है ये, और बड़ी खुशी हुई देखकर। ये कोई 500 से 600 लोग हैं जो खाना खा रही हैं और दिली 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 दुआएं हैं फैसल भाई। और आप भी को प्रोड्यूसर हैं इसके साथ, को फाइनेंसर हम सब हैं। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या आपके जज्बात है, कुछ आप इजहार करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत नेक काम है ये, दुनिया दूसरे लोगों को भी करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लोगों की खिदमत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को हेल्प। और क्या सच, ये तो बहुत नेक काम, ये करके क्या सच्ची खुशी मिलती है आप दोनों को खासतौर पर? लोगों की दुआएं, लोग पेट भर जाता है तो दिल से दुआ निकलती है, मेरे ख्याल में दुआएं ही बचती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट दुआएं, तो कहते हैं ना वो किस्मतें और तकदीरें बदल देती हैं, तो वो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भी बहुत शुक्रिया, आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई पहले जी, काफ़ी मशहूर हुई, बहुत शुक्रिया आपका और फैसल भाई आप सबका, कि अगर आप लोग ना होते तो ये इस काबिल नहीं थी वो वीडियो जिसकी फिल्म बंदी और आज बंदी हुई और जिसको बहुत ज़्यादा पसीराई मिली आप लोगों की वजह से, ये आप लोग हैं असल में। थैंक यू, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। ज़िशान साहब एज ए वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं और इनकी दूसरी खिदमत भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे? हाँ सर, क्या जज्बात है आपके इस इफ्तार ड्राइव के लिए, जो कि अब रमज़ान का इख्तिताम हो गया और ये एक तरह से लास्ट इफ्तार ड्राइव है, क्या जज्बात है, कैसा रहा ये रमज़ान, इसमें जुमरात जुम्मा हफ्ता जो इफ्तार ड्राइव हुई इसमें आपके क्या जज्बात थे, क्या खुशी रही आपकी, सबका इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे, बहुत खुशी होती है इफ्तार कराने से, अल्लाह ताला की खुशी के लिए हम इफ्तार कराते हैं ताकि ये लोग इसका अजर हमें मिले और मुस्तहिक को इसका सवाब पहुँचे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आप देख सकते हैं, अब जो नमाज मगरिब का वक्त हुआ, इफ्तार की सब ने ऑफिस सब उठ गए और सब फारिग हुए, कुछ कुछ बैठे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं रोड साइड पूरा अभी भी शरबत पे काफ़ी रश है, बेइंतहा रश है शरबत पे, और कुछ लोग बैठे हैं कर रहे हैं इफ्तार। अभी जाता जाता टाइम है इसमें जो है नाज़रीन, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग शरबत पे ऊपर झपेटा मारा हुआ है लोगों ने, और शरबत पे टूटे हुए लोग, कुछ लोग खाना मांगने आए हुए हैं थैली में, और वो देखें जनाब वहाँ पे क्या दीवानगी हो रही है, वाह, और एक अलग ही फिल्म चल रही है नाज़रीन, और फिल्म का नाम है इफ्तार की दीवानगी, इफ्तार की दीवानगी, ये मैंने टाइटल रखा है अभी इसका। बड़ी हो गई व्लॉगिंग, मैंने कहा चलो यार मैं भी रोज़ा खोलूँ, तो मेरे पास आई यहाँ की शरबत जिसकी तैयारी आपने देखी थी, मैं अभी आपको पी के इसका रिव्यू देता हूँ। यार जार में जान आ गई कसम से, इतना अच्छा दूध शामिल है, उसके अंदर शरबत शामिल है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, हिट है यार। जिससे किससे बनाई, तुमने बनाई है, तुमने बनाई, किससे बनाई, किससे बनाई, तुमने बनाई, किससे बनाई, हिट हो गई यार, सुपर हिट हो गई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरशाद साहब यहाँ पे वॉलंटियर सर्विस कर रहे थे तो मैंने इनको देखा, काफ़ी यहाँ पे
इनकी महर था, गेमा गेमी थी और एक क्राउड से संभाल रहे थे इनके साथ ही। आपके क्या जज्बात है, ये कार ड्राइव होनी चाहिए? हमारे जज्बात जो है ना, आपको पता है कराची के जज्बात तो वैसे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बहुत प्यारे दोस्त हैं फैसल भाई, उनके ताउन से जो काम यहाँ पे हो रहे हैं और हम सब मिल के उनका साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के बारकत महीने में, और बहुत अच्छा रहा। बस अल्लाह ताला इसका जर ऊपर दे, और जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ उनके लिए भी हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको ऐसी तौफीक दे कि हर इंसान दस्तला खान सजाए रमज़ान का। और आप देख सकते हैं नाज़रीन के सब अब पैक हो रहे हैं, और माशाल्लाह के क्या इंतज़ाम यहाँ पर किया गया, सब चीज़ों को पैक किया जा रहा है माशाल्लाह से। शरबत पे लोग टूटे हुए हैं, और इतार के बाद फैसल भाई और उनके जो कोई पार्टनर्स हैं उनके बिजनेस के, वो सब बैठे थे तो एक गपशप कर रहे थे, और कुछ ये उनके मजीद वॉलंटियर्स हैं और उनके साथी हैं, मोबलिन हैं। अच्छा, ये बॉस हैं आपके? सही। अच्छा, चाहे बिरयानी हो या पुलाव हो या दाल चावल हो, नहीं दाल खुशबू तो अच्छी लग रही है, और जीरे वाले चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी। हाँ, हर अवतार में आके इधर इन्होंने देखा है कि इंतजाम सारे सही चल रहे, नहीं चल रहे, इनके बड़े किरदार हैं। मेरा आप तो नजर आए थे, आपको देखा था मैंने, काफ़ी शरबत ये हमारे मेन वॉलंटियर है। अच्छा, सही सही। आप लोगों के नाम? अमीर अब्बास मेरा नाम है, आसिफ भाई इनका नाम है, ये है मुजाहिद भाई, ये है अब्बार भाई, ये है भाई भाई, ये है अब्बास भाई। सही है, बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों को फारिग करने के बाद जो हम लोग सब थे, हम सब ने खाना खाया, और जितने भी फैसल भाई के रजाकार थे, वॉलंटियर थे, उनके ऑफिस के लोग थे जो उनके बातहत काम करते हैं, हम सब ने मिलके आखिर में इफ्तारी की। कौन बहुत मोहब्बत से मुझे बुलाता रहा, और ये रजाकार मेहनती, इन्होंने भी मुझे बुलाया बिठाया कि भाई आप फिल्म बनाना बंद करें, हम हमारे साथ खाना खाएं, लेकिन मैं बाज नहीं आया, फिर भी मैं थोड़ी बहुत फिल्मिंग करने लगा, और ये आपके सामने हाल हवाल है सारा। बहुत मजा आया इन सबके साथ, और बहुत दुआ इन सब के लिए। तो यकीनन नाज़रीन 1445 हिजरी की ये 26वां रोज़ा और फैसल भाई की इफ्तार ड्राइव आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ शेयर कीजिए इनके मुताबिक, और इसको बेल आइकन हिट कीजिए, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इतनी कामयाब और इतनी ज़बरदस्त किस्म की व्लॉग तैयार हो चुकी है यूट्यूब पर। बने रही है और हमेशा बने रही है, और ये इफ्तार ड्राइव आपको 1446 हिजरी के मुताबिक 2025 में भी हो सकता है मुहैया हो जाए। फर मस्ती में ताजदा शाह यूट्यूब चैनल के पर ले लें। अल्लाह हाफिज़।